विद्यार्थियों, आरसीआई एजु हब बानसुर की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम फिजिक्स में चैप्टर 15 में अध्ययन करेंगे। हमारा अब इसमें देखो चैप्टर 15 शुरू हो गया है और ये नाभिकीय भौतिकी है। चैप्टर 15 कौन सा है भाई? नाभिकीय भौतिकी है। और इससे पहले हमने अध्ययन जो किया था चैप्टर 14 का, वो परमाणु भौतिकी था। हमने वहाँ परमाणु के बारे में अध्ययन किया, परमाणु के मॉडल का अध्ययन किया, जो कि परमाणु के कितने मॉडल होते हैं, किसने क्या कहा, इस प्रकार से अध्ययन किया। और हम इस चैप्टर में नाभिक जो होता है, जो परमाणु के बीच में पाया जाता है, हम इस चैप्टर नाभिक के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं, अध्ययन करेंगे। देखो इसमें सबसे पहले टॉपिक आता है नाभिक की संरचना। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमें इसमें समझना कि नाभिक क्या होता है, नाभिक किसे कहते हैं, नाभिक कहाँ पाया जाता है, नाभिक का आकार कितना होता है, इसमें कौन कौन से मूल कण पाए जाते हैं, तो हम इन बातों के अध्ययन करेंगे। देखो अपन जानते हैं कि जो परमाणु होता है, परमाणु का आकार लगभग गोल होता है और परमाणु के बीच में यहाँ नाभिक पाया जाता है। तो देखो परिभाषा क्या होगी कि परमाणु का, अपन जानते हैं कि प्रत्येक जो पदार्थ है, अपन जानते हैं प्रत्येक पदार्थ अणु और परमाणु से मिलकर बना होता है, ठीक है। यानी प्रत्येक पदार्थ में अणु और परमाणु होते हैं, अणु और परमाणु मिलकर के ही पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो आगे हम आगे अपन जानते हैं कि जो परमाणु होता है, उस परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान और उसका संपूर्ण धनावेश उसके केंद्र में एक छोटे से भाग पर केंद्रित होता है या समाहित होता है, उसे नाभिक कहा जाता है। ये नाभिक की परिभाषा है। क्या अपन कह सकते हैं कि परमाणु के अंदर परमाणु का समस्त द्रव्यमान तथा उसका समस्त धनावेश उसके केंद्र में एक छोटे से भाग में केंद्रित होता है, समाहित होता है, पाया जाता है, जिसको नाभिक कहा जाता है, ठीक है भाई। यानी परमाणु के बीच में परमाणु का समस्त धनावेश और समस्त जो है उसका द्रव्यमान एक छोटे से भाग में केंद्रित होता है, जिसको नाभिक कहा जाता है। तो वही तो हमारा नाभिक हो गया और ये जो है परमाणु है। अब जो नाभिक होता है, नाभिक का जो आकार है वो 10^-15 मीटर होता है, जबकि परमाणु का जो आकार हो 10^-10 मीटर बताया गया है। यानी कि जो नाभिक होता है, नाभिक का जो आकार है वो 10^-15 मीटर का होता है, जबकि जो परमाणु है, इस परमाणु का जो आकार है वो 10^-10 मीटर का होता है। तो भाई ये इसका आकार की बात होगी। फिर तो आप क्या है कि जो नाभिक होता है, नाभिक के अंदर दो मूल कण पाए जाते हैं। सब जानते हैं इस बात को कि नाभिक जो होता है, उस नाभिक में दो मूल कण पाए जाते हैं, जिनको न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहा जाता है। तो भाई यहाँ पे जो एन है, एन तो क्या है, न्यूट्रॉन है, और यहाँ जो पी है, यहाँ पी क्या है भाई, यहाँ पी प्रोटॉन है, पी प्रोटॉन है। तो क्या है, नाभिक के अंदर दो मूल कण पाए जाते हैं, जिनको न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहा जाता है। और देखो इन दोनों को संयुक्त रूप से, इन दोनों को कंबाइंड रूप से, इनको जो है वो न्यूक्लियॉन कहा जाता है। मतलब इन दोनों को संयुक्त रूप से, कंबाइंड रूप से, इन दोनों को जो है न्यूक्लियॉन कहा जाता है, दोनों को कंबाइंड रूप से। तो मतलब जो नाभिक होता है, नाभिक के अंदर दो मूल कण पाए जाते हैं और इनको संयुक्त रूप से जो है न्यूक्लियॉन कहा जाता है। अब ये जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन की अगर हम बात करें, प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो पॉजिटिव होता है, यानी प्रोटॉन पर धनावेश पाया जाता है। प्रोटॉन पर आवेश का जो मान है वो +1.6×10^-19 कूलाम होता है। यानी ये प्रोटॉन पर आवेश होता है, पॉजिटिव होता है। और ये जो न्यूट्रॉन है भाई, ये न्यूट्रॉन जो है ये उदासीन होता है, इस पर कोई आवेश नहीं पाया जाता। अगर हम द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है और जो द्रव्यमान न्यूट्रॉन का है, दोनों का बराबर पाया जाता है। इन दो द्रव्यमान लगभग बराबर होता है, 1.67×10^-27 kg। तो भाई ये इन दोनों का जो है द्रव्यमान पाया जाता है, यानी प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं, इन दोनों का जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान वो दोनों का लगभग बराबर पाया जाता है।
ये होता है 1.67 गुणा 10^-27 किलोग्राम, ये इनका भाई द्रव्यमान पाया जाता है। तो ये जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये बेसिक जानकारी है नाभिक के बारे में। तो नाभिक आकार आप बता दिया, नाभिक आकार कितना होता है, नाभिक में दो मूल कण पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जिन्हें कहा जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। नाभिक में दो जो मौलिक कण पाए जाते हैं जिनको न्यूक्लियॉन कहा जाता है, और इनका द्रव्यमान बता दिया, आवेश की बता दिया भाई, इन पर आवेश कितना कितना होता है, ठीक है। अब देखो आगे बात करेंगे, आगे हम इसमें बात करेंगे। अब यहाँ पे इसमें जो नाभिक होता है उसमें जो परमाणु क्रमांक, नाभिक जो होता है, हम नाभिक को इस प्रकार से दर्शाते हैं, जेड एक्स ए, ये नाभिक का भाई प्रतीक चिन्ह होता है। क्या होता है भाई, जेड एक्स ए, जहाँ देखो जेड तो होता है परमाणु क्रमांक, यहाँ जेड है, या जेड कहलाता है परमाणु क्रमांक, जेड कहते हैं परमाणु क्रमांक। और भाई देखो जो ए है ना, ए ए कहलाता है द्रव्यमान संख्या, ए कहलाता द्रव्यमान संख्या, और जेड कहलाता है परमाणु क्रमांक, एक्स नाभिक हो गया। जैसे दो एग्जांपल की हम बात करें, जैसे 2HE4 है यानी हीलियम का नाभिक है, दो क्या हो गया इसका परमाणु क्रमांक, चार क्या हो गया द्रव्यमान संख्या, हीलियम तो है ही नाभिक। तो इस तरह से नाभिक को हम जेड एक्स से, हम इस प्रकार से नाभिक को दर्शा सकते हैं, जहां जेड होता है परमाणु क्रमांक और ए होता है द्रव्यमान संख्या। देखो अगर हम परिभाषा की बात करें, जो परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं ये हमें पता होना चाहिए, द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। तो देखो हम उनकी परिभाषा की बात करेंगे कि देखो परमाणु क्रमांक क्या होता है। देखो परमाणु क्रमांक क्या होता है, अपन सब जानते हैं कि किसी नाभिक में पाए जाने वाले प्रोटोनों की जो संख्या होती है उसी को ही परमाणु क्रमांक कहा जाता है। यानी किसी नाभिक में पाए जाने वाले प्रोटोनों की संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहा जाता है। तो अब बात करेंगे द्रव्यमान संख्या की या परमाणु भार की, कि भाई द्रव्यमान संख्या क्या होती है। तो देखो ये जो है द्रव्यमान संख्या, ये ए बराबर होती है एन प्लस में पी, मतलब कि नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के योगफल को हम द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार कहा जाता है। ये परिभाषा है, हम कह सकते हैं किसी नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याओं का जो योग होता है उसको हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या को ए द्वारा दर्शाया जाता है। और जो परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक को हम जेड द्वारा दर्शाते हैं, जेड द्वारा इसको व्यक्त करते हैं। तो ये इनकी परिभाषा हो गई द्रव्यमान संख्या की, परमाणु क्रमांक की, ठीक है। अब देखो आगे, अब आगे हम बात करें कि जो ये जो नाभिक की अगर बारे में बात करें, इसके प्रकार की जो है, देखो जैसे कुछ होते हैं समस्थानिक, एंड नाभिक कई प्रकार के होते हैं। अगर नाभिक के प्रकार की बात करें तो पहला प्रकार आता है समस्थानिक, समस्थानिक। दूसरा आता है संभारिक, तीसरा आता है सब न्यूट्रॉनिक। नाभिक देखो मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं, समस्थानिक और जो है संभारिक और सब न्यूट्रॉनिक। देखो हम एक ही परिभाषा बात करेंगे, जैसे नंबर हमारा एक पर आता है, जैसे जो नंबर एक है, देखो नंबर एक कौन सा आता है, नंबर एक पर जो आता है वो है समस्थानिक। कौन सा भाई, देखो समस्थानिक है। तो समस्थानिक क्या होता है, समस्थानिक यानी सम प्लस स्थान, यानी समान स्थान वाले, क्या है समस्थानिक, मतलब समान स्थान वाले। तो अपन कह सकते हैं कि ऐसे नाभिक जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, तो इन्हें समस्थानिक कहा जाता है। देखो एग्जाम्पल की हम बात करें, जैसे 1H1 है, 1H2 है और 1H3, ये हाइड्रोजन परमाणु के समस्थानिक होते हैं। 1H1, 1s2, 1s3, यहाँ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सबके जो ये जो परमाणु क्रमांक आप देख पा रहे हैं एक एक सबके समान है,
लेकिन यहाँ पर जो द्रव्यमान संख्या है वो क्या है, अलग अलग है। तो ऐसे नाभिक जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं लेकिन जो द्रव्यमान संख्या है भिन्न भिन्न होती है, तो इनको समस्थानिक कहा जाता है। और ये इसका एग्जाम्पल है। इसके अलावा इसके एग्जाम्पल और बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे अगर हम कार्बन की बात करें, जैसे C6 12, ठीक है, C6 13 और C6 14, ये भी कार्बन के समस्थानिक होते हैं। ठीक है भाई, तो समस्थानिक क्या होते हैं कि ऐसे नाभिक जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्या उनकी भिन्न भिन्न होती है, तो उनको समस्थानिक कहा जाता है। आवर्त सारणी में इनको एक स्थान पर ही रखा जाता है। जी हाँ, आवर्त सारणी में इनको एक स्थान पर रखा जाता है। दूसरा है तो समभारिक, समान भार वाले, इसके नाम से ही परिभाषा स्पष्ट हो जाती है। समभारिक, सम मतलब समान और भारी मतलब भार वाले, समान भार वाले मतलब ऐसे नाभिक जिनके द्रव्यमान संख्या समान होती है लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है, तो ऐसे समभारिक नाभिक कहलाते हैं। तो कैसे, जैसे एक नाभिक है C6 13 14 और C7N14। तो वो आप देख पा रहे हैं यहाँ जो 14 है इनका द्रव्यमान संख्या बराबर है लेकिन यहाँ परमाणु क्रमांक ये अलग अलग है, ये कार्बन है और ये नाइट्रोजन है, तो ये समभारिक नाभिक कहलाते हैं। इसके अलावा इसका एग्जांपल और बहुत सारे हो सकते हैं। तीसरा है देखो सम न्यूट्रॉनिक, समान न्यूट्रॉन वाले, ऐसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, तो उन नाभिकों को सम न्यूट्रॉनिक नाभिक कहा जाता है। इनको आवर्त सारणी में अलग अलग स्थान पर रखा जाता है। उसी प्रकार से ये जो संभारिक जो नाभिक होते हैं, संभारिक, इनको भी आवर्त सारणी में अलग अलग स्थान पर रखा जाता है। अब इधर आगे क्या है, उसके बाद देखो कि अब जो नाभिक, अब जिन नाभिकों में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होती है, समान पाई जाती है, उनको स्थायी नाभिक भी कहा जाता है। जी हाँ, उनको स्थायी नाभिक कहा जाता है। क्या, कि जिन नाभिकों में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है वो बराबर पाई जाती है, उन्हें सम बराबर पाई जाती है, उनको स्थायी नाभिक कहा जाता है। देखो जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें, इसमें 2 देखो H4, तो ये हीलियम का नाभिक है। यहाँ देखो 2, अपन जानते हैं कि किसी भी नाभिक में जो परमाणु क्रमांक है वही उसमें उतने ही क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। तो यहाँ 2 प्रोटॉन हैं, तो पी का मान क्या हो गया, 2। अब तो ये द्रव्यमान संख्या है, यहाँ से हम इसका मान निकाल लेंगे। देखो ए माइनस निकालो, पी कितना हो गया, ए का मान 4, पी का मान 2, यानी एन का मान कितना आ गया, 2। इसमें 2 ही क्या है, न्यूट्रॉन है। ये जो नाभिक है हीलियम का, इसमें 2 क्या है, प्रोटॉन, और इसमें 2 क्या है, न्यूट्रॉन। तो इसमें जो संख्या बराबर पाई जाती है, तो हीलियम सबसे जो है अधिक स्थायी माना जाता है। तो जिन नाभिकों में प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन हैं उनकी संख्या जिनमें बराबर पाई जाती है, समान पाई जाती है, उनको जो है स्थायी नाभिक कहा जाता है। और जिनमें संख्या बराबर नहीं पाई जाती है उनको अस्थायी नाभिक के नाम से जाना जाता है, ऐसे नाभिक कहा जाता है। तो इसके बाद में जो है, अब इसके बाद में और भी कई प्रकार से आते हैं, जैसे दर्पण नाभिक आते हैं। देखो अब अगले इसका प्रकार आता है तो दर्पण नाभिक। तो दर्पण नाभिक क्या होते हैं, पॉइंट है आगे इसके बाद में, दर्पण नाभिक। तो ये क्या होते हैं, दर्पण नाभिक ऐसे नाभिक होते हैं जिनमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या होती है, जिनमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या परस्पर बदलती रहती है, इनको दर्पण नाभिक कहा जाता है। और इनका जो परमाणु क्रमांक भी अलग अलग होता है, इनकी द्रव्यमान संख्या भी अलग अलग होती है, लेकिन इनमें न्यूट्रॉन और जो प्रोटॉन होते हैं इनकी संख्या इनमें परस्पर बदलती रहती है। इसके बाद में अगला प्रकार आता है आइसोमर्स नाभिक अगला प्रकार है। तो इनमें क्या होता है, आइसोमर्स नाभिक जो होते हैं, ये ऐसे नाभिक होते हैं आइसोमर्स नाभिक, इनमें
परमाणु क्रमांक और जो द्रव्यमान संख्या तो समान होती है, लेकिन ये ऐसे नाभिक होते हैं कि इनके जो रेडियो एक्टिव जो गुण होते हैं यानी उच्च ताप पर इनके जो रेडियो जो एक्टिव गुण हैं वो बदल जाते हैं या अलग हो जाते हैं। तो ऐसे नाभिक जिनके रेडियो एक्टिव गुण अलग अलग होते हैं उन नाभिकों को हम आइसोमर्स नाभिक के नाम से जाना जाता है या उनको हम आइसोमर्स नाभिक जो है कहा जाता है। तो ये प्रकार थे नाभिकों के, हमने इसमें पढ़ा समस्थानिक के बारे में पढ़ लिया कि भाई नाभिक समस्थानिक होते हैं, उनके स्थान समान होते हैं यानी जेड का मान समान होता है। उसके बाद में संभारिक जिनके भार समान होते हैं जैसे C6 माना 14 है, C7N14 है, फिर सम न्यूट्रॉन में न्यूट्रॉन समान होते हैं, और इसके बाद जो दर्पण नाभिक में हैं उनके न्यूट्रॉन प्रोटॉन आपस में परस्पर चेंज होते रहते हैं। आइसोमर्स में क्या होता है कि जो नाभिक होते हैं उनको रेडियो एक्टिव जो गुण हैं वो अलग अलग होते हैं। अब रेडियो जो एक्टिव गुण है, देखो हम चैप्टर 15 में आगे विस्तार से पढ़ेंगे, इसमें नाभिक के बल है, रेडियो एक्टिवता है, ये सब गुण इसमें अलग अलग पाए जाते हैं। और हमने इससे पहले बेसिक पढ़ा कि भाई नाभिक में क्या क्या पाया जाता है, कौन से कण, तो अपन जानते हैं नाभिक में दो मूल कण पाए जाते हैं, प्रोटोन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और इसके अंदर जो है इनको न्यूक्लियन कहा जाता है, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं हमने पढ़ लिया, दोनों का द्रव्यमान क्या क्या होता है हमने पढ़ लिया, आवेश की बात की भी आवेश इनमें कितना कितना होता है। और इस प्रकार से हमने बेसिक बात की नाभिक की संरचना की। इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।